हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीम AY। आई होप सब बढ़िया होंगे भाई, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो US में रह रहे हैं उनके लिए। तो उनका जो सबसे मेन कंसर्न होता है वो होता है जॉब का, कि भाई हमें पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलेगी यहाँ पे आने के बाद। स्टार्टिंग में ही आते हैं तो स्टडीज़ के साथ साथ कैसे कौन सी जॉब कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट रहेगी, कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस होगा, कितनी सैलरी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको आज सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर कैसे आपको जॉब मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे आओ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो भाई अब एडमिशन हो गया, US भी आ गए, अब चाहिए जॉब क्योंकि खर्चा पानी निकालना है। तो भाई जॉब मिलना ना ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से बताऊँगा। बट उससे पहले एक चीज़ सुनो मेरी, कि आते ही ना जॉब ढूंढनी मत स्टार्ट करना, कि आप आज आए हो और कल ही आपने जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दी कि मेरे को जॉब चाहिए जॉब चाहिए, ऐसा मत करना, बिल्कुल भी सही बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आए हो अपना 3-4-5 दिन लो आराम से, घूमो फिरो आसपास, क्योंकि किसी नई जगह पे आते हैं ना तो यार अडेप्ट करने में टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि इंडिया में अपनी फैमिली की, दोस्तों की, सब चीज़ों की आदत पड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर आते ही ये मत करो कि मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे को जॉब चाहिए, अपना आराम से घूमो फिरो, जॉब अपने आप मिलेगी और बहुत आसानी से मिलेगी। अभी जैसे मैं बताऊंगा ना आप देखोगे, आप भी कहोगे इतना इजी है जॉब लेना, क्योंकि अपने इंडिया में बहुत डिफ़िकल्ट होता है जॉब लेना, बट यहाँ पे वो सीन नहीं है बिल्कुल भी। तो आते ही घूमो फिरो, अपना मौज लो आराम से, देखो क्या क्या देखने हो, क्योंकि ये वाला टाइम ना फिर कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि एक बार ये चला गया ना फिर क्या करोगे, फिर तो अपना पढ़ना ही है, जॉब ही करनी है, कुछ नहीं करना। तो आते ही सबसे पहले अपना घूमो फिरो, अब फिर करते हैं आगे जॉब की बात। तो जो हमें सबसे पहला काम करना है वो करना है, हमें जाना है अपने नेबरहुड में, अपने आसपास घर के जो भी हैं ना, घर के आसपास निकलो और देखो वहाँ पे जॉब्स कहाँ पे हैं जो सबसे नियरेस्ट हो और वो अच्छी पे दे रहे हो आपको। क्योंकि अगर आप दूर की जॉब लोगे ना तो उसमें दो डिसएडवांटेजेस हैं। एक, सबसे पहली कि आपका टाइम वेस्ट होगा, और स्टूडेंट्स का टाइम होता है भाई बहुत वैल्यूएबल, क्योंकि पढ़ना होता है, जॉब, फिर खाना बनाना, खुद बहुत चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़, जाओगे ट्रैवल करोगे तो खर्चा भी होगा, ठीक है, पैदल जाओगे तो वही फिर टाइम वेस्ट होगा, बस वगैरह कुछ लोगे तो खर्चा होगा। तो सबसे अच्छा है अपने पास की जॉब लो, पैदल जा सको आराम से, इजी हो जाना। उसके बाद यहाँ से निकले, नेबरहुड में चले, तो वहाँ पे जाके देखा कि कहाँ पे कैसे जॉब्स मिल रही हैं। तो इस चीज़ को ना छोड़ो, बोल के नहीं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे आओ नेबरहुड में चलते हैं, देखता हूँ कहाँ पे क्या जॉब्स मिल रहे हैं, आपको दिखाता हूँ ढंग से कि कैसे आप लोगों को करना है। तो आओ चलते हैं फटाफट। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे, हम आ गए मार्केट में और हो गया है थोड़ा सा अंधेरा, तो फटाफट से आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना। वैसे मैंने एक राउंड ले लिया है तो आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ और कितनी हायरिंग चल रही है। मतलब आप एक बार मेरे पीछे देखो लाइन दूर तक, कि ये पूरी ना मार्केट है, मतलब घर के पास जो है हमारे। तो अब आपको यहाँ पे पूरा दिखाता हूँ स्टोर्स में, मेन आपको वॉलमार्ट हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, डंकिन डोनट्स हो गया, मतलब जितने भी स्टोर्स हैं ना मेरे पीछे आपको सब में दिखाता हूँ, और ऑलमोस्ट सब में हायरिंग चल रही है। तो आओ देखते हैं। तो भाई ये देखो, एक हो गया सबसे पहला स्टोर, देखो वी आर हायरिंग। इनका तरीका देखो, एक वहाँ पे बार कोड है, और अब लाइन में देखते चलना। देखो ये भी हायर कर रहे हैं, अब इसके बाद चलते रहते हैं। देखो पूरे ना लाइन में एक साथ स्टोर्स हैं सारे, और इनका तरीका देखो क्या है हायर करने का, कि इन्होंने ना उसके बाहर वो लगा रखा है, अपने जैसे स्टोर्स है ना, स्टोर के बाहर वो लगा रखा है कि वी आर हायरिंग, और बार कोड स्कैन दे रखा है, नहीं तो नंबर दे रखा है एक। ये देखो एक जैसे ये है फॉर एग्जांपल, बार कोड दे रखा है वहाँ पे, उस बार कोड को स्कैन करोगे ना तो उनका नंबर आ जाएगा, नहीं तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि उनको मैसेज कर लो, उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है, और नंबर पर कॉन्टैक्ट करके फिर उनको आप कर सकते हो। देखो जैसे ये GNC का स्टोर है, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट दी हुई है, तो ये मैं घर चल के दिखाऊंगा आपको अच्छे से कि ये कैसे करते हैं। और आगे वो स्टोर है मेरे आगे विंडिक्सी, तो उनका भी दिखाता हूँ उनका क्या तरीका हायर करने। तो आओ चलो आगे। अब ये देखो भाई, ये है विंडिक्सी वाले स्टोर, और यहाँ देखो पूरा बता रखा है ये लोग हायर कर रहे हैं, इस पे जॉइन का मैसेज भेज दो, और सब कुछ बताए हुए कौन सी जॉब है, क्या है, सब कुछ। तो ऐसे ही है यहाँ का सीन, मैंने आपको दिखा दिया कि अब तक आपने देखा होगा लाइन में ना कितने स्टोर्स थे, कम से कम 3-4 स्टोर्स थे, और तीनों चारों में हायरिंग थी। तो ऐसी मतलब जो भी है ना सब स्टोर्स के बाहर लगा देते हैं, तो ये समझ लो इतना इजी है
कि किसी कंपनी को अप्रोच करना, पहले अपने इंडिया में क्या होता है, वहाँ जाओ उनसे पूछो जाके कि जॉब है नहीं है। यहाँ पे देखो इन लोगों ने बाहर ही लगाया है कि हाँ वो लोग हायर कर रहे हैं, उन्हें ज़रूरत है बंदों की। तो इतना इजी और इतना इजी बना रखा है कि आपको एक मैसेज करना है। यार मैसेज करने में क्या होता है, वो देखेंगे मैसेज आपका, उसमें फिर आपसे इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगते हैं उसमें सारी। जब आप अभी जो ये मैंने दिखाया ना साइट वगैरह सब कुछ, ये हम लोग अभी घर जाके फिल करेंगे इस फॉर्म को पूरे को। ये देखो इन्होंने भी लिखा हुआ है क्या, नाउ हायरिंग। अभी आपको और दिखाता हूँ, देखो आगे इन सब में भी लगाया हुआ है। देखो इसने क्या लगाया हुआ है, हायरिंग कैशियर सर्वर। तो ऑलमोस्ट ना ये देखो जितने स्टोर्स हैं ना वहाँ से देखो हम कहाँ से चलते हुए आए हैं, और वहाँ से लेके यहाँ तक जितने स्टोर्स थे इन सब में ऑलमोस्ट हायरिंग चल रही है। तो चलो जल्दी से घर चलते हैं, आप लोगों को अभी फॉर्म वाला प्रोसेस भर के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे करना होता है। चलो घर चलते हैं जल्दी से। देखो भाई अब आ गए हैं एक स्टोर के बाहर, ये है पूरा शॉपिंग वगैरह का, क्लोथ्स वगैरह का, सब चीज़ों का। और ये देखो इसके बाहर भी क्या है, वर्क अवेलेबल, ये बार कोड दिया हुआ है स्कैन करने के लिए, उसके ऊपर देखोगे वेबसाइट भी दी हुई है। तो अभी चल के घर पे यही देखते हैं। मेरे को ये एक और दिख गई थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैमरा ऑन कर लिया, मैंने कहा आप लोगों को एक बार दिखा दूँ। तो घर पे चलते हैं और ये साइट पे ना आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखाता हूँ कैसे कैसे फिल करनी होती है, और वो फिल करने के बाद फिर क्या होता है, और पे वगैरह भी घर चल के आराम से बताता हूँ। अभी मैं ये दिखाने आ गया था और दिख रहा होगा आपको, रात भी हो गई है मेरे पीछे। तो जल्दी से घर चलते हैं, देखते हैं फिर और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई मार्केट से आ गए हैं वापस घर पे, और जो भी वहाँ पे वो वेबसाइट वगैरह देखी थी ना, जो भी वी आर हायरिंग नाउ हायरिंग वाले लगे हुए थे, उसके वहाँ पे वेबसाइट वगैरह दी हुई, फिर कुछ पे दिया हुआ था वहाँ पे बार कोड, और बार कोड स्कैन करने पे मैंने अभी स्कैन करा तो उस पे आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर। और तो जिन पे वेबसाइट्स है ना, तो लैपटॉप है, लैपटॉप पे वेबसाइट्स पे पूरा आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे प्रोसीजर है उसका करने का और कैसे उसको करते हैं। तो आओ देखते हैं, तो आओ अब देखते हैं। सबसे पहले हम जीएनसी वाली देखते हैं। तो ये पूरा खोल दिया मैंने, जो वेबसाइट वहाँ पे दी हुई थी उसको खोलने के बाद अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है सब कुछ। कैटेगरी दी हुई है कि कॉरपोरेट में करना है, लॉजिस्टिक्स में, रिटेल में, जो भी है उसको सिलेक्ट करके चूज़ कर सकते हो, हम ऑल कर देते हैं। उसी बाद पोजीशंस दी हुई है कि मतलब कैसे करनी है आपको, रेगुलर पार्ट टाइम, रेगुलर पार्ट टाइम, फिर टेम्प्रेरी फुल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट पे इंटर्न एज अ काम करना है, या कॉन्ट्रैक्ट टू परमानेंट, सारे दिए हुए हैं देखो यहाँ पे। तो हम अभी सेलेक्ट कर देते हैं फिलहाल के लिए ऑल को, ठीक है। तो ये उन सब के लिए, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं ना तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे हमारे टाइमिंग्स वगैरह भी सब कुछ यहाँ से सही हो जाएगा। तो ऑल पे कर दिया। उसके बाद अब डालनी है यहाँ पे लोकेशन, जो भी आपके पास की लोकेशन है। तो अब अपनी मैं लोकेशन ढूँढता हूँ, जैसे मेरा है US फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा का FL होगा, तो FL में चलते हैं। आ गया। अब मेरा एरिया है रिवर व्यू, तो इसमें रिवर व्यू ढूंढते हैं कहाँ है रिवर व्यू येरा। तो देखो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर दी, पोजीशन कर दी और अपना एरिया सेलेक्ट कर दिया। अब करते हैं सर्च। तो ये देखो यहाँ पे आ गई ना रिटेल पार्ट टाइम सेल्स एसोसिएट की ज़रूरत है, एक तरीके से सेल्समैन की ज़रूरत है स्टोर में, और यहाँ पे सब कुछ मैंशनड है। ये एड्रेस है उसका, और ये वही वाला जीएनसी स्टोर है जो अभी हमने देखा था ना, ये स्टोर का एड्रेस है, ये सब है। ये देखो यहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड है। तो अब इसको मैंने सेलेक्ट करा तो देखो ये पूरा आ गया जॉब समरी, क्या काम होगा, कैसे क्या होगा वहाँ पे ज़रूरी, इसमें सब कुछ बता दिया, स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए देख लो, सब कुछ है इसमें। और बेनिफिट्स क्या है, एम्प्लॉय को डिस्काउंट दिया जाएगा अगर कुछ लेना हो किसी को, तो इसमें सब कुछ पूरा ढंग से मेंशन करा हुआ है। तो भाई ये पूरा पेज देखने के बाद अब यहाँ पे देखोगे आपको दो ऑप्शंस देख रहे होंगे, अप्लाई फॉर दिस जॉब ऑनलाइन और रेफर दिस टू अ फ्रेंड। अगर आपका कोई दोस्त अभी नया नया आया है, आपके पास ही शिफ्ट हुआ है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं इस पे, अप्लाई फॉर दिस जॉब ऑनलाइन। अब इसमें देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, अपनी ईमेल आईडी डालने का। तो मैं अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ एक सेकंड, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई ईमेल आईडी मैंने डाल दी है। अब उसके बाद देखो क्या आ गया यहाँ पे पूरा, एक तरीके से पूरी ना हमें प्रोफाइल बनानी पड़ेगी अपनी, लॉगिन आईडी पासवर्ड सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है इसमें। देखो अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना एड्रेस जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, जॉब के बारे में कैसे पता लगा,
अदर कोई सोर्स जो भी हो, तो इसमें सब कुछ मेंशन करना है। उसके बाद क्या होगा, ये जैसे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालोगे ना, और फिर ये सबमिट कर देंगे हम यहाँ से इसको, तो इसको सबमिट करने के बाद ये लोग हमें ऑटोमेटिकली अपने आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे, फिर ये आपको एक बार बुलाएंगे स्टोर में इंटरव्यू वगैरह के लिए, और फिर आपकी जॉब जो है वो हो जाएगी कंफर्म। तो भाई वेबसाइट वगैरह का, जो भी स्टोर्स वगैरह की हायरिंग वगैरह का था, वो मैंने आपको दिखा दिया पूरा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, प्रोसेस पूरा। तो आई होप आप लोगों को वो चीज़ तो समझ आ गई होगी। अब दूसरी जॉब आप और क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो आप ऊबर ईट्स, फूड डिलीवरी वगैरह। तो उसमें क्या है, आपकी पे हो जाती है ठीक ठाक। और एक और चीज़ क्या है कि जो आपका वीज़ा है ना, वीज़ा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हफ्ते में कितने घंटे काम कर सकते हो। तो दो चीज़ें होती है, एक तो एक वीक में आप 20 घंटे काम कर सकते हो, और एक होती है कि एक वीक में 40 घंटे काम कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है आपके वीज़ा पे कि कौन सा वीज़ा है आपके, स्टूडेंट में भी, तो उसके बेसिस पे वो चीज़ होती है। और पे की बात करूँ तो पे होती है मिनिमम $15, ये $15 हैं, और मैक्सिमम खेच के मानो भाई हो जाएंगे 20। तो 15 से 20 के बीच में पे होती है जितनी होती है। तो दूसरी बात करते हैं अब फूड डिलीवरी वाली, ऊबर ईट्स वगैरह, उसमें आपको मिलते हैं पर डॉलर पर डिलीवरी, मतलब पर डिलीवरी पे मिलते हैं जो मिलता है आपको। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर भाई जिसको बहुत ज़्यादा मेहनत का वो है, तो पहले तो आप जॉब कर लो ये स्टोर वगैरह में जितने भी घंटे की होगी, क्योंकि वीक में आपको 20 घंटे अलाउड है, तो यूँ मान लो 3 दिन में या 4 दिन में पूरी कर सकते हो आराम से। 4 दिन में तो आराम से हो जाएगी, अगर 5 5 घंटे भी काम करोगे तो एक दिन में, तो उसके बाद हम पे टाइम बच जाता है। और तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसके बाद साइकिल ले ली अपनी, रेंट पे कर सकते हो, रेंट पे मिल जाती है साइकिल, रेंट पे ली नहीं तो ख़रीद ली अगर पैसे हैं तो भाई किसी पे। तो ऊबर कर लो रात को, दिन में कभी भी 4 5 घंटे, आप कम से कम भी मैं बताऊँ ना तो एक दिन के आराम से 100 से $150 तो ऊबर में कमा लोगे अगर मेहनत करोगे ढंग से, तो क्योंकि उसमें टिप वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं। तो पैसे कमाना जॉब वगैरह का इतना मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाता है। तो अब मैंने आपको जॉब्स का एक तो स्टोर वगैरह का बता दिया अच्छे से कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, और दूसरा ऊबर ईट्स का ऑप्शन बता दिया फूड डिलीवरी का, कि फूड डिलीवरी पे कर सकते हो, उसमें भी अच्छी कमाई है। अब थोड़ी सी बात बताता हूँ जो आपको चीज़ें इंडिया से ही लेके आनी है, जो कि बहुत काम आएगी यहाँ पे आने के बाद। एक पहली चीज़ कि जो आपके CV है ना, CV की फ़ोटो कॉपी निकलवा लेना कम से कम 40 से 50। वो भी क्यों बताता हूँ, क्योंकि आप जब आओगे तो आने के बाद ना आपको स्टोर्स में जाओगे किसी में, जैसे यहाँ पे तो बाहर लगा हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि सब में बाहर लगा हुआ। तो क्या करना है, स्टोर में जाना है, वहाँ पे पूछना है कि वो लोग हायर कर रहे हैं नहीं, वो बोले नहीं कुछ नहीं करना, अपना CV जो है उनके पास दे के आ जाना, कि वो इनकेस कभी भी फ्यूचर में हायर करें तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और अगर वो कभी भी इनकेस फ्यूचर में हायर करेंगे ना, तो सबसे पहले वो अप्रोच करेंगे आपको, क्योंकि आप उनके पास गए थे, आपने अपना CV उनको दिया हुआ है, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो कम से कम 40 50 CV की फ़ोटो कॉपी निकलवा लेना, ला के रखना है यहाँ पे, स्टोर्स में जाओ उनको दे देना, बस इतना करना और कुछ नहीं। दूसरी चीज़ अपने साथ लेके आना भाई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कई सारी निकलवा के, वो भी काम आएंगे आपको। इसी चीज़ों में आगे बताऊंगा, वो जॉब्स अलग हैं, जैसे सिक्योरिटी वगैरह की होगी, उन सब के लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है, वो कभी अलग बनाएंगे, बट ये बेसिक है जो अभी स्टार्टिंग में आते हैं, क्योंकि लाइसेंस वगैरह बनवाने के लिए आपको चाहिए होते हैं पैसे, और उसमें पैसे लगते हैं कम से कम $300 से $400। तो वो बात मैं अभी पैसे वाली कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आते किसी पे भी नहीं होता कि वो इतना खर्चा कर सके स्टार्टिंग में। तो ये सारी जॉब्स वो हैं जिसमें आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ आपको मिल जाएगी, और आपने खुद देख लिया अभी कितना ईजी है ये सब, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। आओ सबसे पहली चीज़ क्या आती है, घूमो फिरो अपना 5 6 दिन, और उसके बाद जॉब ढूंढो, अप्लाई करो, और घर के पास ढूंढो। तो आई होप मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया होगा कैसे जॉब अप्लाई करना है, सब कुछ करना है। आई होप आप लोगों की वीडियो काम आई होगी, जो यहाँ पे रह रहे हैं भाई बहन अपने हमारे, और जो इंडिया में ही देख रहे हैं उनको भी, आई होप जो आने वाले हैं उनके लिए भी इजी हो गया होगा आते ही कि कैसे क्या चीज़ करनी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। गेड़ी लावा चोरों महंगी महंगी कारा में आना चाव तेरे हुस्न के जाड़ा में।